अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2024 का आयोजन किया गया है, जिसके संदर्भ में इसकी विस्तृत जानकारी दी गई और बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर तथा युवाओं में जन जागृति के उद्देश्य से राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2024 का आयोजन किया गया है। एक्चुअली इसके पीछे का देखा जाए तो आज आप देखते हैं कि पर्यावरण की जितनी भी समस्या है, ये पर्यावरण की समस्या है, कभी मानव निर्मित है, कहीं नैसर्गिक निर्मित है। अभी जो हमारा उपभोग हुआ है कि हम ज़्यादा कुछ ना कुछ उपभोग कर रहे हैं कि ज़्यादा यूज हम कर रहे हैं, तो इसका एक समाधान क्या रहना चाहिए, कम से कम उपभोग में कैसे हमारी जीवन शैली रहनी चाहिए। जैसे भारत देश में हम देखा जाए तो हमारी जीवन शैली एक सस्टेनेबल जीवन शैली थी, तो उस जीवन शैली का और इसका युवा और ये लोकतंत्र इनको जोड़कर हम कैसे एक पॉलिसी और एक लीडरशिप कैसे तैयार करें, इसके लिए हमने ये पार्लियामेंट का आयोजन किया है। एक लीडरशिप एनवायरनमेंट के भी सेक्टर में आनी चाहिए और इसका पॉलिसी क्या हो सकती है, इसमें समाधान क्या हो सकती है, इसकी चर्चा युवाओं के माध्यम से आनी चाहिए, इसलिए हमने इस पर्यावरण संसद का आयोजन हमने किया है। और इस पर्यावरण संसद में हमने महाविद्यालय से ही कंपटीशन किया है, विश्वविद्यालय स्तर पर हमने पहला स्तर लिया, जैसे कि देश भर में से 203 विश्वविद्यालय से हमने इसका स्पर्धा ली। स्टूडेंट पार्लियामेंट का आयोजन उस 203 विश्वविद्यालय में हुआ, उसमें से भाषणात्मक स्पर्धा हुई, उसमें भाषणात्मक स्पर्धा में लोकल एनवायरमेंटल इशू जो है, वहाँ के स्थानीय एनवायरमेंटल जो इशू है उसके ऊपर समाधान क्या हो सकता है, उसकी जो समस्या है उसके ऊपर समाधान क्या हो सकता है, उसके ऊपर पॉलिसी क्या हो सकती है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव विमर्श हमने कैंपस में खड़ा किया। और उसके साथ में हमने उस 40,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया, उसमें से 6,000 स्टूडेंट का हमने रीजनल लेवल के लिए सिलेक्शन किया और 6,000 स्टूडेंट का फिर से एक कॉम्पिटिशन लिया और उसमें से 200 स्टूडेंट का हमने सिलेक्शन किया। ये प्रोसेस 4 महीने से शुरू है, सितंबर महीने से हमने ये किया है। अभी जो नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए उनके 1 महीना उनका ट्रेनिंग चल रही है, उसमें उनका क्या रोल रहेगा, जैसे पार्लियामेंट चलता है वैसे इसमें स्पीकर रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, गृहमंत्री रहेंगे, और उनका क्या रोल है, मतलब वो क्या बोलने वाले हैं, उनको क्या बोलना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग हमें 1 महीने से हम उनको ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं, मेंटर्स और ट्रेनर्स के माध्यम से इनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे वृक्षारोपण अभियान, तो आप सब जानते हो कि वृक्षारोपण अभियान किया है, कैसा है कि अभी पर्यावरण बोले तो वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छता अभियान इतना ही सब लोगों को दिखता है, तो हमने ना कि इतना ही पर्यावरण और वृक्षारोपण, अपना स्वच्छता और वृक्षारोपण में ही नहीं रहते, हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर सेमिनार देते हैं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारा रोल क्या है, युवाओं का रोल क्या है, यूथ रोल ऑफ यूथ इन एनवायरमेंट, इस विषय पे लेकर हम कैंपसेस में एक्टिविटी करते हैं। अब हमने रिसेंटली एक एक्टिविटी शुरू किया है कि 1 आवर फॉर नागपुर, हमने सब युवाओं का आह्वान किया कि आप 1 घंटा नागपुर के लिए दीजिए और हम उस 1 घंटे के लिए 1 घंटा पूरा एनवायरमेंट के लिए काम करेंगे। जैसे हमने अभी पहला का टारगेट रखा है कि पूरा अंबाझरी तलाव हम प्लास्टिक फ्री कैंपस, प्लास्टिक फ्री अंबाझरी तलाव करेंगे और इस माध्यम से हम ये अभियान शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे अभियान हम कैंपसेस में करते हैं और इस विषय जो है पर्यावरण की, तो पर्यावरण का कुछ भी करना है वो खुद से ही करना पड़ेगा, खुद से ही पर्यावरण के ऊपर काम करना शुरू करोगे तो हम समाज को बदलेंगे। सिर्फ अंबाझरी ही क्यों, ऐसे नागपुर में काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम देखते हैं प्लास्टिक का आज भी यूज़ होता है, बैन होने के बाद भी वो यूज़ होता है, तो उसके लिए आपकी कमेटी क्या है? हाँ, मैंने पहले ही बोला कि हमने ये एक्टिविटी अभी शुरू की है, इसलिए हमारा पहला स्पॉट अंबाझरी है। जब अंबाझरी के ऊपर पूरा काम होगा तो हम धीरे धीरे आएंगे। और हमारा ऐसा है कि एक क्लीनलीनेस ड्राइव ही हमें करना नहीं है, तो हमें बाजार पेट में जाकर जो प्लास्टिक पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसके ऊपर अवेयरनेस करनी है, पोस्टर के माध्यम से हमें सबको समाज को बताना है, सिग्नल्स पे रुक के हमें उसका अवेयरनेस करना है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमें ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं, ऐसे बहुत कुछ हमने सोचा है, मगर संडे अभी ये 4th संडे है, इसके बाद में जो होगा उसमें हम अलग अलग एक्टिविटी हम इसमें करेंगे। साथ में कैंपसेस के साथ हम MOU करते हैं, कैंपस के विद्यार्थियों में ग्रीन क्लब बनाना, एक ग्रीन लीडरशिप नेतृत्व निर्माण करना, ये हमारा इसमें इसका काम है। मैं मयूर झवेरी, विकासार्थ विद्यार्थी, राष्ट्रीय संयोजक। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है, व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा, लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।